students, how are you? Hope you all are fine and I'm also fine. Today we are going to start subtraction of weights. ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? Addition of weights. आज हम पढ़ेंगे subtraction of weights. ठीक है, तो subtraction करने के लिए भी हमारे पास में same rules होते हैं जिस तरीके से हमने addition में किया था. ठीक है, सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे? दो columns में अरेंज करेंगे. ठीक है, then firstly we arrange our weights into columns, किलोग्राम एंड ग्राम. ओके, टू कॉलम्स में अरेंज करेंगे. फर्स्ट कॉलम होगा हमारा किलोग्राम का और सेकेंड कॉलम किसका होगा? ग्राम वाला कॉलम होगा. ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, ये हमने इसको टू कॉलम्स में अरेंज कर लिया. हमें पता है ग्राम वाला जो कॉलम होता है हमारा, इसमें कितने डिजिट होते हैं हमारे पास में? थ्री डिजिट. कल भी मैंने बताया था आपको, जब मैंने अरेंज किया था हमारा वेट, ग्राम वाले में होते हैं हमारे पास में थ्री डिजिट्स. ओके, ठीक है, और किलोग्राम में जितने डिजिट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो डिजिट हम यहाँ पे राइट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा अरेंजमेंट है वो इसमें किस तरीके से करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा अरेंजमेंट. हमारे वेट्स हैं, हमें सब्ट्रैक्शन के लिए दिया गया है क्वेश्चन कि 35 किलोग्राम 500 ग्राम. ठीक है, ये हमारा वेट हमें दिया गया है. हमें क्या करना है? इसको इसमें अरेंज करना है. अरेंज करने के लिए हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे? हमने इसको यहाँ पे राइट करना है. स्टार्ट करते हैं हम इसको अरेंज करना. 500 थ्री डिजिट होते हैं, हमने थ्री डिजिट से इसको फिल कर दिया. अब हम करेंगे नेक्स्ट जो कॉलम उसको फिल. यहाँ पे हमारे पास में क्या है? 35. हमें सब्ट्रैक्ट करना है 35 किलोग्राम में 500 ग्राम में से 25 किलोग्राम 55 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना. ठीक है, हमें इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था, हमें इसको इस तरीके से अरेंज करके इसको सॉल्व करना है. तो अरेंज करते हैं अब हम 55. यहाँ पर हमारे पास में कोई डिजिट नहीं है, तो कल भी मैंने बताया था अगर यहाँ पे हमारे पास में हंड्रेड्स वाले प्लेस पर कोई डिजिट ना हो तो हम उसकी जगह क्या फिल करेंगे? जीरो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया? जीरो फिल कर दिया. अब हम इसको अरेंज करते हैं 25 इस तरीके से. ठीक है, ये तो हमने हमारी जो वेट्स थे, जो गिवन वेट्स थे, उनको अरेंज कर लिया और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया. अब हमें करना है इनका सब्ट्रैक्शन स्टार्ट. सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं. वंस में हमारे पास में जीरो में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, इसको हम चाहे तो सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ ग्राम. ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको इसी कॉलम में भी सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखा देती हूँ. 500 ग्राम एंड जीरो 55. ठीक है, एक तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको. जीरो में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? 5 से बोरो करेंगे. हम बोरो तो नेक्स्ट कॉलम से करते हैं, लेकिन अगर हमारा नेक्स्ट कॉलम जीरो होता है तो हम किस पे चलते हैं? उससे भी नेक्स्ट वाले कॉलम पे चलते हैं. ठीक है, तो यहां से हम जब यहां बोरो करेंगे तो ये जीरो की जगह क्या हो जाएगा? 10. और यहां पे जीरो की जगह क्या हो जाएगा? 9. और यहां क्या बच जाएगा हमारे पास में? 4. ठीक है, क्या किया हमने यहां से? बोरो लिया है, तो यहां पे 10 हो गया, यहां 9 और यहां पे 4. तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 10 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आंसर विल बी 5. ओके, नेक्स्ट में हमें करना है 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 4. ठीक है, अब देखते हैं हमें करना है 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर क्या बच जाएगा हमारे पास में? 4. देन आंसर इज 445 ग्राम. कौन सी यूनिट है ये? ग्राम वाली. तो हमारा आंसर आएगा वो भी कौन सी यूनिट में होगा?
ग्राम वाली यूनिट में। तो अब हम इसको यहाँ पे राइट कर देते हैं 445। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राम को सॉल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, किलोग्राम वाली वैल्यूज को यहाँ पे राइट करना है, 35 एंड 25। ठीक है, अब हमें करना है 35 और 25 को सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के और जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वहां से स्टार्ट करेंगे। 5 सब्ट्रैक्टेड 5 इज इक्वल टू 0, 3 सब्ट्रैक्टेड 2 इज इक्वल टू 1, देन वी पुट 10 एट हियर। ओके, देन द आंसर इज 10 किलोग्राम 445 ग्राम। देन पुट हियर, सॉरी राइट हियर, हेंस द डिफरेंस इज, हेंस द डिफरेंस इज 10 किलोग्राम 445 ग्राम। When we subtracted two weights, two lengths, two numbers, two capacities, the answer will be in the answer is in difference form. ठीक है, जो हमारा answer होगा subtraction का वो हमेशा क्या होता है, हमारा difference होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया normal subtraction, जिसमें हमें हमारे एक ही column में से borrow करना था। अब हमें कुछ questions ऐसे भी given होते हैं जिसमें हमें यहाँ पर जो फॉर्म है ग्राम में वो स्मॉलर फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होगा वो स्मॉलर होता है और यहाँ पे ग्रेटर नंबर होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 55 किलोग्राम 775 ग्राम। ठीक है, फ्रॉम 95 किलोग्राम। हमें करना है सब्ट्रैक्शन 55 किलोग्राम 775 ग्राम का 95 किलोग्राम में से सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम बताएंगे कि हमारा मिनिमम क्या है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें तो हमें पहले से गिवन था, उसको अरेंज करके वहां पे हमें दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में अरेंज नहीं कर रखा है। तो हमें पहले ये शो करना होगा कि हमारा मीन वेन क्या है और सब्ट्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पर हम शो करते हैं हमारा मीन वेन। मीन वेन क्या है, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमें सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है, 95 किलोग्राम में से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 95 किलोग्राम। अब हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या होता है हमारा सब्ट्रैक्ट, इसको क्या बोल, कौन सा है हमारा सब्ट्रैक्ट, 55 किलोग्राम 775 ग्राम। ठीक है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट है। अब हम इसको अरेंज करेंगे हमारे दोनों कॉलम्स में, ग्राम और किलोग्राम वाले कॉलम में। तो ये हमारे दोनों कॉलम्स हो गए, इनमें हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड जिस तरीके से हमने एडिशन में सॉल्व किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे हमारे शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ग्राम की वैल्यू नहीं है, लेकिन सेकेंड वाले में हमारे पास में ग्राम की वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 00 से फिल कर देंगे, देन 000। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे और 95 को किलोग्राम वाले कॉलम में राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो हम लोग जब अरेंज करेंगे तो हमारी ये वैल्यू है ग्राम वाली, उसको ग्राम में राइट कर देंगे और किलोग्राम को किलोग्राम में राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से राइट करने के बाद में हमें करना है इसका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम पहले इनको क्या करेंगे, ग्रुप्स में, इट मींस इनकी जो प्लेसेस की वैल्यू है, प्लेसेस का जो नेम है वो यहाँ पे राइट करेंगे, देन वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000।
एन थाउजेंड, ठीक है। जो भी इनके प्लेसेस का नेम है उसको हमें यहाँ पे राइट करना है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। किलोग्राम, और ये हमें इनके प्लेसेस के नेम्स लिख लिए हमने। अब हमें करना है इनका सब्ट्रैक्शन स्टार्ट। हम लोग सब्ट्रैक्शन कहाँ से करते हैं? वंस वाले प्लेस से। तो स्टार्ट करते हैं हम सब्ट्रैक्शन करना। यहाँ पे हम जीरो में से फाइव को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले कॉलम से बोरो करेंगे, लेकिन ये भी जीरो है तो यहां से भी हम बोरो नहीं कर सकते। उससे नेक्स्ट वाले कॉलम के पास जाएंगे, यहां पर भी हमारे पास में जीरो है तो यहाँ पे भी हम क्या नहीं करेंगे, बोरो नहीं कर सकते। इसके बाद भी नेक्स्ट कॉलम हमारा कौन सा है, थाउजेंड वाला, जो किलोग्राम में है, ठीक है। तो यहां से हम जब सब बोरो करेंगे तो यहां से हम बोरो करेंगे वन को, तो यहाँ पे फाइव की जगह क्या हो जाएगा, फोर। यहाँ हो जाएगा जीरो की जगह नाइन, यहां पर भी नाइन हो जाएगा और यहाँ पे टेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये जो नंबर्स है वो हो जाएंगे। अब हम करेंगे टेन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट, देन आंसर इज फाइव। नेक्स्ट हम करेंगे नाइन में से सेवन को सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू। फिर से हम नाइन में से सेवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू। अब हमें करना है नेक्स्ट कॉलम, इट मीन्स किलोग्राम में थाउजेंड वाला जो कॉलम है इसको सॉल्व करना है। यहां पर हमें फोर में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें पता है हम फोर में से फाइव को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फोर इज अ स्मॉलर नंबर एंड फाइव इज अ ग्रेटर नंबर, सो वी कैन बोरो फ्रॉम नाइन। तो यहाँ पे नाइन की जगह क्या हो जाएगा, एट, और यहाँ पे फोर की जगह फोर्टीन हो जाएगा, ठीक है। और फोर्टीन में से जब हम फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइन, और यहाँ पे एट में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 39 किलोग्राम 225 ग्राम। तो हम लोग आंसर किस तरीके से लिखेंगे, hence the difference is, hence the difference is 39 किलोग्राम 225 ग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हमारे किसी भी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन की जो फॉर्म आती है उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिन्यूएंड शो करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट शो करेंगे, फिर उनको टू कॉलम्स में अरेंज करेंगे, एंड देन हम हमारा आंसर इस तरीके से राइट कर लेंगे। अगर हमारे पास में यहाँ पे बोरो करने के लिए कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम वाला जो कॉलम है इससे बोरो करेंगे, बिकॉज जब हम इनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं तो ये वैल्यूज इस तरीके से आती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है। तो इनको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हैंस द डिफरेंस इज दिस, ठीक है। जो भी हमारा डिफरेंस आता है, जो भी आंसर आ रहा है हमारा, उसको हम इस तरीके से यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास में किलोग्राम की वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा 998 ग्राम फ्रॉम नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ग्राम, ठीक है। दिखने में तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्राम वाले कॉलम को अरेंज करेंगे। किसको करेंगे, ओनली ग्राम वाले कॉलम को अरेंज करेंगे। अरेंज करते हैं यहाँ पे हम, सॉरी, ओनली ग्राम का कॉलम अरेंज करना है ना हमें, तो ग्राम के कॉलम के लिए हम लोग सिर्फ एक ही कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। कौन सा कॉलम, ग्राम वाला, और इसको हम क्या करेंगे, हमारे ग्राम के कॉलम में अरेंज कर देंगे 998, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, अगर हमारे ग्राम की फॉर्म में अकेला क्वेश्चन होना तो उसमें हमें किलोग्राम वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ग्राम वाला कॉलम बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर किलोग्राम में होता तो हम उसको सिर्फ किलोग्राम वाले कॉलम में अरेंज करते,
यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, एंड 9 में से 9 0, 9 टू 9 0, आंसर क्या हो गया हमारा 1 ग्राम, क्या आया आंसर हमारा, हेंस द डिफरेंस इज, हेंस द डिफरेंस इज 1 ग्राम। इट मीन्स यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ओनली किलोग्राम या ग्राम में कोई फॉर्म दे दी जाए तो उसके लिए हम लोग सिर्फ एक ही कॉलम बनाएंगे, अगर ग्राम में हमारा क्वेश्चन है तो उसके लिए हम ग्राम का कॉलम बनाएंगे, और अगर किलोग्राम में हमारा क्वेश्चन है तो उसके लिए हम लोग किलोग्राम वाले फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा हमें क्वेश्चन में गिवन है सब्ट्रैक्ट 2 केजी फ्रॉम 7 केजी 385 ग्राम। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 केजी को 7 केजी 385 ग्राम से। तो सबसे पहले हम मिन्यूएंड लिखेंगे, मिन्यूएंड क्या है, जो भी हमारा फ्रॉम के बाद में नंबर आता है वो यहाँ पर हमारा मिन्यूएंड होता है, 7 केजी 385 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें सब्ट्रैक्ट क्या लिखना है, 2। यहाँ पर हमें सबसे मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि हमें सब्ट्रैक्ट क्या है और मिन्यूएंड क्या है इसको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, और हमें इसको फिर 2 कॉलम्स में अरेन्ज करना है। अरेंज करेंगे, मैं आपको ये एग्जाम्पल वापस बता रही हूँ, अभी मैंने इसी के एग्जाम्पल दिए थे आपको किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम हमारी वैल्यू को राइट करते हैं, पहले मिन्यूएंड की वैल्यू 385 और यहाँ पे 7, यहाँ है हमारा 2 और 000, बिकॉज सेकेंड हमारा सब्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है उसमें ग्राम की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ओनली 00 राइट कर देंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। अब हम यहाँ पर हमारे प्लेसेस की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हम इसको सेपरेट करके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम इसको प्लेसेस की वैल्यू राइट कर देते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे प्लेसेस हो गए। प्लेसेस की वैल्यू राइट करने के बाद में अब हम सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे वंस वाले प्लेस से, देन 5 सब्ट्रैक्टेड 0, 5, 8 सब्ट्रैक्टेड 8 इज इक्वल्स टू 8, 3 सब्ट्रैक्टेड 0 इक्वल टू 3। ठीक है, ग्राम वाले कॉलम को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा एज इट इज वही आंसर आ गया। अब हमें करना है किलोग्राम वाले कॉलम को सोल्व, तो हम जब 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। आंसर क्या हो गया हमारा, हैंस द डिफरेंस इज, हैंस द डिफरेंस इज, डिफरेंस इज 5 किलोग्राम 385 ग्राम। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन के उसमें सबसे पहले मिन्यूएंड शो करेंगे। मिन्यूएंड क्या होता है, जो फ्रॉम के बाद में जो वैल्यू आती है ना हमारी, मतलब जो ग्रेटर वैल्यू हो गई या तो क्वेश्चन के अंदर, अगर फ्रॉम वाले क्वेश्चन नहीं है तब तो हमें ये पता करना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, लेकिन अगर फ्रॉम वाले क्वेश्चन है तो उसमें हमें इजीली पता चल जाता है कि जो फ्रॉम के बाद में नंबर है वो हमारा मिन्यूएंड है और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर उसको हम लोग करेंगे 2 कॉलम्स में अरेंज, ग्राम वाले कॉलम में 3 डिजिट होते हैं, अगर हमारे पास में दोनों में से किसी में भी अगर ग्राम की वैल्यू नहीं है तो उसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, 000 पुट कर देंगे। और अगर हमारे दोनों ही जो मिन्यूएंड और सब्ट्रैक्ट है ये दोनों ही एक ही यूनिट में है, केजी में, किलोग्राम में या फिर ग्राम में, तो उसके लिए हम कॉलम सिर्फ एक ही बनाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।